गले में मछली का काटा बहुत बार जो है जान पे आफत बन जाती है दोस्तों। फिश लवर्स के लिए है ये चीज। बहुत बार जब हम फिश लेते हैं, फिश का जो काटा होता है बहुत बार क्या है जाने अनजाने के अंदर हमारे गले के अंदर अटक जाता है एंड वो आपको इतना तकलीफ दे बनता है दोस्तों। मैं बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए दोस्तों। बहुत बार देखो क्या होता है कि जब हम फिश लेते हैं तो उसका जो कांटा गले में अटकता है, लेकिन बहुत बार तो क्या होता है वो चला जाता है, लेकिन आपको ऐसा फील होता है कि अभी भी मेरे गले में फिश का कांटा है। दूसरा बात दोस्तों, बहुत बार क्या होता है कि जैसे आपने 2-3 दिन पे अगर ये ठीक नहीं होता और आपको बिल्कुल सीवियर पेन हो रहा है, तो आपको तुरंत एक FOL टेस्ट होता है, फाइब्रोप्टिक लैरिंगोस्कोपी, उसके माध्यम से दोस्तों हमें पता लग जाता है कि ये जो है कांटा कहाँ फंसा हुआ है। अमूमन मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो फिश का जो कांटा है वो हमारे जीभ के जो पीछे के हिस्से में, वहां पे जो हमारे टेस्ट बड्स होते हैं वहां पे जाके अटक जाता है। तो जो फाइब्रोप्टिक लैरिंगोस्कोपी FOL जो टेस्ट होता है, उसमें एक मॉनिटर पे आप देख सकते हो कि ये जो है कांटा यहाँ फंसा हुआ है दोस्तों। एंड उसको अगर ये सुपरफिशियल होता है तो उसको एंडोस्कोपिक दूरबीन से निकाल दिया जाता है। हाँ दोस्तों, इसमें बाहर से कोई चीज फाड़ टांका पट्टी दर्द निशान नहीं होता। एंड उसके बाद में आपको कुछ एक मेडिसिन होती है जो आपको लेनी पड़ती है 4-5 दिन से, उससे आपको रिलीफ हो जाता है। सो दोस्तों, जाने अनजाने के अंदर अगर आपको जो है लग रहा है कि मैंने फिश खाई है और आपको गले में दर्द है, तो आपको हो सकता है फिश का कांटा हमारे गले के अंदर अटक गया होगा, तो उसको हमें तुरंत दिखाना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये मोस्टली होता है बहुत बार जो अल्कोहल इंटॉक्सिकेटेड जो पर्सन होते हैं या बहुत नशा कर चुके होते हैं, या कई बार क्या होता है कि कुछ फिश की वैरायटी भी ऐसी होती है जिसके अंदर फिश का कांटा जो है वो अटकने के चांसेस ज्यादा हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि कभी ऐसा है, तो आपको तुरंत FOL का टेस्ट करा के उसको निकलवाना चाहिए रेदर देन परेशान होने की बजाय। एंड दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद है, डेफिनेटली यू कैन शेयर टू योर फ्रेंड्स फैमिली एंड कलीग्स जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग द face thrown in throat.